तो दोस्तों पहले आप अपना जो है एज यूजुअल अपना ब्राउज़र जो है उसको ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद आप एड्रेस बार पे आपको लिखना है फ्लेमिंग टेक्स्ट। हाँ दोस्तों, आपको एड्रेस बार पे लिखना है flamingtext.com। मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो दोस्तों flamingtext.com जो है इस साइट पे आप अपना लोगो जो है वो बिल्कुल ही मुफ्त पे बना सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा लोगो ऑलरेडी प्रीफॉर्मेटेड यहाँ पे बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा लोगो यहाँ पे है, आप जो कि कोई भी टेप कोई भी पेज पे जाके आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स है, ये थर्ड पेज हो गया, अब थर्ड पेज पे भी जाके आप यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट्स है आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा पेजेस है, आप कोई भी पेजेस से आप अपना लोगो जो है उसको चूज कर सकते हैं, जो किस तरह का लोगो आपको चाहिए। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, एक है आपका जो सिंपल लोगो सिंपल टेक्स्ट लोगो, और एक है एनिमेटेड टेक्स्ट लोगो। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, आप फर्स्ट पेज पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा पेज है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि इसको कहते हैं एनिमेटेड लोगो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको कहते हैं एनिमेटेड लोगो, और ये सब फिक्स लोगो है, इसमें एनिमेटेड नहीं है, लेकिन इसका पैटर्न जो है आप इस पैटर्न पे ही आप अपना लोगो जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल यहाँ से एक एनिमेटेड आपको दिखा दूंगा और एक सिंपल सा दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ पे रनर ले रहा हूँ, मैं पहले फिक्स्ड वाला दिखा देता हूँ। तो आप कोई भी टेम्पलेट पर क्लिक कर लेना है, टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद उसका जो उस लोगो का जितना भी सारा वेरिएशंस है वो निकल के आ जाएगा। जैसे कि आपने ए वाला टेम्पलेट चूज किए हैं, तो इस टेम्पलेट्स के ऊपर और भी बहुत सारा वेरिएशन जो है इस साइट ने क्रिएट करके रखे हैं। तो आप इस वेरिएशन से भी आप अपना जो है आप चूज कर सकते हैं अपना लोगो किस तरह से दिखे। आप यहाँ से बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा टेम्पलेट्स निकल के आ चुका है, वेरिएशंस निकल के आ चुका है। तो आप यहाँ पे भी एक वेरिएशन आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा पेज है आपको 6 तक, आप कोई भी पेजेस पे जाके आप अपना वेरिएशन चूज कर सकते हैं इस टेम्पलेट के आधार पे। तो दोस्तों मैं यहाँ से फिलहाल कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ। तो मैं इस टेम्पलेट को क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आपको क्या करना है, आपका जो टेक्स्ट है उसको एडिट कर लेना है। जैसे हमने राणा लिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे कि एडुकेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं, एडुकेशन। तो हमने ये वाला टेक्स्ट हमने यहाँ पे आपको एडिट करना है, जो आपका टेक्स्ट क्या होगा। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जो यहाँ पे है फॉन्ट साइज, अभी क्या है फिलहाल फॉन्ट साइज है 75। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे दोस्तों एक बात जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि ये जो मिड पॉइंट आप देख रहे हैं, इस मिड पॉइंट के बाहर अगर आप निकलते हैं साइज को इंक्रीज करते हुए, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगा जो कि प्रीमियम लेवल। प्रीमियम का मतलब होता है आपका पेड वर्शन, मतलब आप इस सॉफ्टवेयर को कुछ पेमेंट करना है तब जाके आपका इस प्रीमियम लाइसेंस आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो साइज है वो आपको इस बॉर्डर के बाहर ही रखना है। अगर इस बॉर्डर को क्रॉस कर जाएगा तो आपका प्रीमियम जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकेंगे जो आपका प्रीमियम फ्यूचर्स जो है वो एक्टिव हो चुका है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस बॉर्डर के बाहर ही रखना है आपको। तो इस तरह से आप फॉन्ट साइज जो है उसको बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करके और भी टेक्स्ट पैडिंग जो है उसको भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ग्रो साइज भी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, अलाइनमेंट आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे है।
तो आप इस सब ऑप्शंस पे पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, आप फ्री वाला वर्जन आप यूज़ कीजिएगा, मीड पॉइंट क्रॉस नहीं कीजिएगा। अगर ये एक्टिव हो जाता है तो आपको पेमेंट करना होगा, तो आप प्रीमियम को एक्टिव मत कीजिएगा, आप फ्री वाला वर्जन ही आप यूज़ कीजिएगा। इसके बाद में आपका टेक्स्ट एडिट होने का बाद आपको जाना है लोगो पे, लोगो पे क्लिक करने का बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये जो टेक्स्ट हमने जो यहाँ पे लोगो का जो टेक्स्ट हमने डाले हैं वो वाला डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो हमने चूज़ किए थे उसके हिसाब से उसका कलर उसका सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट होके आ चुका है। अगर आप चाहते हैं बोले नहीं हमको कलर पसंद नहीं आ रहा है, कलर को चेंज करना है लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा, तो आप इस लोगो पे क्लिक करके आप इसका कलर जो है उसको चेंज कर सकते हैं, पैटर्न पे ला सकते हैं, ग्रेडियंट पे ला सकते हैं, मल्टी कलर कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हैं, पैटर्न पे कोई बिल्ट इन टेक्स्चर अगर रहता है तो पैटर्न से आप कोई भी टेक्स्चर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत सारा टेक्स्चर आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप कोई भी टेक्स्चर आप डाल सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई भी टेक्स्चर आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं कैडबेरी का चॉकलेटी टाइप का एक टेक्स्चर ले लिए, तो वो वाला टेक्स्चर भी इस फॉर्मेट पे फॉर्मेट के ऊपर लागू हो चुका है। अभी यहाँ पे जो है आउटलाइन साइज, आउटलाइन साइज मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि व्हाइट बॉर्डर देके एक आउटलाइन है, इस साइज को अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, सब कुछ आप एडिट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट से लेके उसका कलर से लेके आप सब इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद पे आपको जाना है शेडो पे, शेडो पे क्लिक करने के बाद आप शेडो यहाँ पे देखिए, आप ब्लैक कलर का शेडो है, अगर आप चाहते हैं बोले नहीं हमको दूसरा कलर चाहिए तो दूसरा कलर आप चूज़ कर सकते हैं, तो इसका जो शेडो कलर है वो वाला आप यहाँ पे देख सकेंगे, जो शेडो हो गया रेड कलर पे। तो आप इस तरह से शेडो का भी चेंज कर सकते हैं और उसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रीमियम वर्जन एक्टिव हो गया मतलब 4 से ज़्यादा 4 आप नहीं ले सकते हैं, 3 भी नहीं ले सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट आपका 2 ही रहेगा, 2 के ऊपर जाने से ही आपका प्रीमियम हो जाएगा, तो प्रीमियम आपको नहीं लेना है। अभी शेडो टाइप आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको शेडो नहीं चाहिए तो नन ले सकते हैं, अगर आपको ड्रॉप शेडो चाहिए तो आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके आप ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन अगर चाहिए तो आप रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, जैसे आपका टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन हो गया, और ग्लो अगर चाहते हैं तो ग्लो ले सकते हैं, नॉर्मल ले सकते हैं और सेल्फ ले सकते हैं, ये सब आप कुछ आप देख लीजिएगा। इसके बाद में आते हैं आप बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड जो है ये वाला ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड है, बैकग्राउंड भी आप पैटर्न ले सकते हैं, सनबर्स ले सकते हैं, और आप कोई भी सॉलिड कलर ले सकते हैं, कोई भी सॉलिड कलर ले सकते हैं, या तो आप ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब दोस्तों आपका कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं रहेगा, और ये लोगो आप कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर इसको एडजस्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों कभी कभार अगर आपको कुछ डिज़ाइन करना होता है कि फॉर्म वगैरह या कुछ आपका वेब पेज डिज़ाइन करना होता है तो आप ट्रांसपेरेंट ही रखिएगा, तो उसमें बेहतर होता है कि आप उसको प्लेस कर पाए। अगर आपको वैसे ही उसको टेक्स्ट किसी भी बैकग्राउंड पे मतलब वाइट बैकग्राउंड पे चाहिए या मतलब एक बॉक्स के अंदर ही अपना बैकग्राउंड लेके उसको चाहिए, तो आप पैटर्न डाल सकते हैं, ग्रेडियंट पैटर्न भी डाल सकते हैं, कलर भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमको क्या करना है, बैकग्राउंड भी चेंज कर पाएंगे आप। इसके बाद में आता है इमेज, इमेज पे आता है फिक्स साइज, ऑटो क्रॉप, फाइल फॉर्मेट जो है PNG, ठीक है। आप इमेज जो है फिक्स साइज पे आप डाल सकते हैं, लेकिन आप फिक्स साइज अगर आप ऑन करेंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे प्रीमियम एक्टिव हो गया तो आप ये वाला ऑप्शन नहीं ले सकते हैं, तो इसको फिलहाल मैं ऑफ कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है जो आपका जो ये लोगो है वो आप किस फॉर्मेट पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे PNG अगर आप करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, अगर ट्रांसपेरेंट आप लोगो क्रिएट करते हैं तो PNG आपको चूज़ ही करना है, क्योंकि PNG चूज़ करने से आपका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहता है और बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद में आता है जिप, जिप मतलब एनिमेटेड इमेज अगर होता है तो आप जिप पे यूज़ करना है, JPG मतलब वैसे पिक्चर। तो इस तरह से आप दोस्तों आप कर सकते हैं जो इमेज का सेव ऑप्शन मतलब आपका फाइल फॉर्मेट कौन सा रहेगा
इस तरह का आप ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो आपका फाइल फॉर्मेट, कौन सा फाइल फॉर्मेट आपको चाहिए, PNG चाहिए या जीप चाहिए या JPG चाहिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पे PNG ले रहा हूँ। PNG लेने का बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने का बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे आपका लोगो जो है वो बन चुका है। अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है जैसे कि बाय लोगो मतलब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला, फ्री टू यूज़ हाउ वेर यू लाइक और बाय लोगो टू रिमूव वाटर मार्क, मतलब अगर आप यहाँ पे इसको खरीदना भी चाहते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका एक अगर आप बड़ा सा लोगो बनाते हैं तो इसका वाटर मार्क जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा, और वो वाला वाटर मार्क आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप खरीद लेते हैं तो। तो फिलहाल मुझे ये वाला नहीं चाहिए, खरीदना नहीं है, सिर्फ इसको डाउनलोड करना है। तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकेंगे जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है आपका लोगो। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, लोगो डिज़ाइन करना है। तो फिलहाल मैं फिर से चूज लोगो पे आ जाता हूँ और आपको एनिमेटेड लोगो वाला ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये ओपन होते होते मैं आपको दिखा दूँ कि आपका लोगो किस तरह से दिखेगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ओपन विद विंडोज फोटो व्यूअर से ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपने अभी अभी डिज़ाइन किए हैं, तो इस तरह का आपका टेक्स्ट लोगो बन चुका है। तो दोस्तों अभी आपको जो यूज़ करना है वो है आपका एनिमेटेड टेक्स्ट लोगो। तो एनिमेटेड टेक्स्ट लोगो के लिए मैं अभी यहाँ पे इस ऑप्शन के ले लेता हूँ, यहाँ पे इस फॉर्मेट को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका भी आपको वेरिएशन, उसी तरह से आपका वेरिएशन निकल के आ जाएगा, और इस वेरिएशंस के थ्रू आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न आप ले सकते हैं। और इसका भी फिलहाल बहुत सारा पेज है, जैसे कि यहाँ पे दो पेज है, तो आप सेकेंड पेज पे भी जाके आप इसका वेरिएशंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से ये वाला फॉर्मेट शायद कुछ अच्छा लग रहा है तो ये वाला फॉर्मेट मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपको क्लिक करने के बाद वही सेम प्रोसीड्योर आपको एडिट करना है, टेक्स्ट एडुकेशन एडिट करना है टेक्स्ट, और इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस तरह से आप साइज को जो है उसको बढ़ा दीजिएगा, और यहाँ पे वही सारा ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन, बैकग्राउंड कलर, आप यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। तो जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे येलो ले रहा हूँ, येलो लेने से आपका येलो बैकग्राउंड जो है वो अच्छा रहेगा। तो मैं येलो बैकग्राउंड यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और एडवांस लेवल पे जाके और भी बहुत सारी चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में बारी है आपको लोगो पे जाना है, और लोगो का कलर आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे रेड वाला ऑप्शन डाल सकते हैं, या तो ग्रीन वाला ऑप्शन डाल सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ब्लू वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ब्लू वाला ऑप्शंस, तो मैं ब्लू वाला ऑप्शन यहाँ पे ले रहा हूँ। उसके बाद में आप फेड आउट ग्लो ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद पे आपको जाना है दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप इस लोगो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस साइट के हेल्प से आप विद इन फ्यू सेकेंड आप अपना जो है टेक्स्ट लोगो आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। कभी कभार टेक्स्ट लोगो के लिए हम लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे कि एक टेक्स्ट को लोगो के जैसा आपको यूज़ करना है, उसका पैटर्न चेंज करना, उसका आर्टिस्टिक लुक देना है, लेकिन हमको लोगो डिज़ाइन करना आता भी नहीं है और लोगो का सॉफ्टवेयर भी पता नहीं होता है कभी कभार। तो अभी वो सब टेंशन को आप छोड़ दीजिए, आप बिंदास होकर इस साइट पे आ जाइए और आप यहाँ पे बिल्कुल ही मुफ्त अपना लोगो जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डेस्कटॉप पे मेरा निकल के आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको जैसे कि विंडोज 7 है इसलिए आपको एनिमेटेड वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको प्लेस करते हैं किसी वेब पेज पे या पावर पॉइंट
एनिमेशन पे, तो इसका एनिमेटेड जो फंक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक की। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और एक चीज़ जो है वो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। आपका कमेंट जो है वो मुझे इंस्पायर्ड करेगा आने वाला वीडियोज़ पे। सो प्लीज़ आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का जो लेसन है वो है ऑनलाइन लोगो डिज़ाइन फ्री। तो आप किस तरह से अपना जो लोगो डिज़ाइन मुफ्त पे किस तरह से बना सकते हैं वो वाला चीज़ आपने आज के लेसन पे सीख लिए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।